हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आप लोगों को बता दूं कि अभी थोड़े दिन से काफ़ी ज़्यादा शोर उठा है जीके बैंक के रिज़ल्ट को लेके। तो जो लेटेस्ट अपडेट है वो लेके मैं आया हूँ आप सबके सामने। जीके बैंक के लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट या जो भी अभी आप सुन सकते हैं, जितना शोर उठ रहा है, रिज़ल्ट आएगा, कब आएगा, किस टाइम पर आएगा, आप सबको पता है कि काफ़ी टाइम से लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है और वो वेट कर रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट जल्द से जल्द आए। तो उसी के लिए अभी मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा कि कब एक्सपेक्टेड है और कैसे ये चीज़ें पिछले 4-5 दिन से ज़्यादा तेज़ हुई हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये स्टार्ट कैसे हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में आया था, या फेसबुक पर भी देख सकते हैं कि जेके बैंक को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का सबसे लीडिंग बैंक बताया है और SBI को लद्दाख का। लेकिन इस सब के साथ ही आप देख सकते हैं कि ग्रेटर कश्मीर ने जब इंटरव्यू लिया चेयरमैन RK चिब्बर जी का, तो उन्होंने उनसे बात करी कि प्योर बैंकिंग एसोसिएट की सिलेक्शन के रिगार्डिंग कि कब आएगा, बच्चे वेट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो जो उनका सेम है कि जब तक इंटरनेट बंद है तब तक नहीं आएगा। लेकिन इस बार कुछ अलग स्टेटमेंट दी है इन्होंने रिज़ल्ट को लेके। वो अलग स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने पहली चीज़ तो जो कई सारे लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि जेके बैंक का जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा, क्वैश हो जाएगा, नई रिक्रूटमेंट होगी, दोबारा से लोग होंगे, तो मैं उनको बता दूं कि उन्होंने क्लियर वर्ड्स में कहा है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम और पैसे लगे हैं इस रिक्रूटमेंट पे। क्योंकि पहले भी इन्होंने जब सेंटर बुक करवाए थे फरवरी में, तब कर्फ्यू हो गया था, नहीं हो पाया था एग्ज़ाम। उसके बाद दोबारा जब अप्रैल में करवाया, उसके बाद पहले प्री करवाए, फिर मेंस करवाए, इन सब में काफ़ी पैसा बैंक ने लगाया है। और उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा टाइम ना ही सिर्फ बैंक का, बच्चों का भी इसमें लगा है। 1 लाख के करीब लोगों ने बैंकिंग एसोसिएट के लिए अप्लाई किया और 40,000 के करीब PO के लिए किया है। तो उसमें काफ़ी टाइम लगा है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि रिक्रूटमेंट को नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका चल रहा है, PO के आपके 2 फेस हो चुके हैं, बैंकिंग एसोसिएट का इकलौता फेस था, ये होने के बाद PO का भी तीसरा फेस इंटरव्यू का भी होगा और फाइनल रिजल्ट आपका आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेगा। अब टाइम कितना, बच्चों का क्वेश्चन स्टार्टिंग से यही उठ रहा है कि कितना टाइम इसको और लग सकता है। आप लोगों को बताऊं कि बैंक ने क्लियर करा है, काफ़ी सोर्सेस से पता चला है, कश्मीर में भी रेडियो पे भी आया है बार बार कि रिज़ल्ट जल्दी आएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में आपका PO का मेंस का रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फाइनल दोनों का एक साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि PO मेंस के साथ आपका बैंकिंग एसोसिएट का रिज़ल्ट भी निकल जाएगा, पहले PO का आएगा, इंटरव्यू प्रोसेस चलेगा और एंड में फाइनल रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों का एक साथ। और ये पूरा प्रोसेस आप मान के चलें कि कम से कम अभी 2 से 2.5 महीने और लगाएंगे। मार्च 31 से पहले बैंक की कोशिश ये है कि रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन वो वेट कर रहे हैं। अब कई सारे लोगों ने ये कहा है कि बैंक SMS के थ्रू रिज़ल्ट देगा या गजट के थ्रू रिज़ल्ट देगा, ये सब चीज़ें बात की हैं। फिलहाल आपको बता दूँ ये, और बैंक ने अब ये कहा है कि बैंक में जो क्लास 4 लगते हैं या फिर जो असिस्टेंट बैंकिंग एसोसिएट लगते हैं, उनका भी अब पूरा एक सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। कोई भी पहले आप देख सकते हैं, जैसे आपने देखा कि 2500 लोगों को बोला गया है कि बैकडोर एंट्रीज हुई हैं, ऐसा अब नहीं होगा। अब हर कोई जो भी बैंक में लगेगा वो एग्ज़ाम के थ्रू या एक पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप किसी स्टेट पे पहले नंबर पे जा रहे हैं बैंकिंग में, आप पे इतने लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उस ट्रस्ट की वैल्यू भी करनी चाहिए कि कल को ऐसा ना हो कि किसी की थोड़ी सी जान पहचान की वजह से आप उनको लगा दो और कोई जो एक काबिल कैंडिडेट है जिसने ज़्यादा मार्क्स लगाए लाए हैं उसे बाहर कर दे। तो ये सारी चीज़ें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रुकनी चाहिए बैंक की तरफ से भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इन पे एलिगेशन लगा रहे हैं। ये प्रूफ हुआ है कि 2500 लोग आए हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 2500 वैकेंसीज ऐड होंगी इसमें, अभी तक ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि कोई भी वैकेंसीज ऐड होंगी या नहीं। अभी तक अगर आप नोटिफिकेशन के थ्रू जाएं तो उसमें जो आपको कहा गया था कि 1200 बैंकिंग एसोसिएट होंगे और 250 PO, अभी तक इसके अलावा कोई और नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो आप अफवाहों में मत जाएं, वेट कर सकते हैं आप।
इसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है। और यहीं पे लास्ट लाइन इन्होंने एक और कही थी कि जो भी क्वेश्चन उठ रहा था कि मर्जर होगा बैंक का, उस पर भी सीधा बोला है कि वो नहीं होंगे। तो आप वेट करें, इंटरनेट जैसे आपको पता है कि कारगिल में खुल गया है, कल रिस्टोर हो चुका है, जम्मू में भी सब शांत है, इनफैक्ट कश्मीर में भी सब शांत है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट वीक तक जम्मू में भी नेट चल पड़े और कश्मीर में ब्रॉडबैंड सर्विसेज दोबारा से रिस्टार्ट हो जाए। तो जैसे जैसे चीज़ें शांत होना शुरू हो जाएंगी, वैसे वैसे सारी चीज़ें सॉर्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो ऑल द बेस्ट सबको, जिन जिन का भी रिजल्ट आना है, और बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें जितना ज़्यादा हो सके, उस पर फोकस करें। RBI असिस्टेंट की वैकेंसीज आई हैं, आपको बता दूं। आप अपना टाइम रिजल्ट का वेट करने से बेटर है कि दूसरे एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ करते रहे, ये जब मर्जी निकले एटलीस्ट आपके पास एक जॉब तब तक हो। तो आज के लेक्चर में सिर्फ, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए काफ़ी लोग कह रहे थे, तो उनके लिए मैंने ये बना दिया है आपके लिए। लेटेस्ट अपडेट यही है कि नया साल आप सबके लिए अच्छा आए, सबके पास जॉब हो, और अगर 2500 वैकेंसीज जो मतलब बैकडोर एंट्रीज को अगर ये क्वैश करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये भी इसमें ऐड हो। लेकिन अभी तक ऑफिशियल ऐसा कुछ भी नहीं आया हुआ है, तो अफवाहों में मत जाए। अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होगा उन कैंडिडेट्स के लिए भी जिन्होंने मेहनत की है। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के।